लोग घायल है कटिहार के, 8 लोग घायल हैं, जिसमें एक हमारे जिला के उपाध्यक्ष चमकलाल सिंह हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं। उनको उनके माथा पे 19 टांका लगाया गया है। कल काला दिवस मना रहे, कल जो पटना में घटना घटी है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में, जो निर्दनीय घटना घटी है, ये बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही निंदनीय है। हम लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया है उस जगह पे, ये नहीं समझा गया कि कौन महिलाएं हैं कौन पुरुष है। इस तरह से बेदर्दी से मारा जा रहा था, किसी तरह से हम लोग जान बचा के वहाँ से निकले हैं, और ये बहुत ही हिंसात्मक घटना घटी है। कल 1971 में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसी घटना को फिर से 2023 में उसको दोहराया गया है, और लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। पुलिस जो थे वो भी महिलाओं कर रहे थे, महिला पुलिस वही मार रही थी, पुरुष जो थे सर पे कहीं भी दिए जा रहे थे, उनका कोई रोक टोक नहीं था कि यहाँ नहीं रहा टारगेट एकदम। आप देख सकते 1971 के घटना को दोहराया गया है, 1971 में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसी घटना को फिर से 2023 में उसको दोहराया गया है। नियोजित शिक्षकों के साथ भाजपा को प्रदर्शन करना इन दिनों काफी महंगा पड़ गया है। भाजपा नेताओं के साथ लाठीचार्ज कर उन्हें खूब पीटा गया, जिसको लेकर आज कटिहार में जिला भाजपा के द्वारा अगजनी किया गया, पुतला दहन किया गया और काला पट्टी बांध कर विरोध जताया जा रहा। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज राव जी हैं, हम सीधे बात करते हैं जी, क्या कुछ मकसद है आज का प्रदर्शन? मकसद कुछ नहीं है, जिस तरीके से बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम यह हत्यारी सरकार कर रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार, तेजस्वी यादव जी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आज अगर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार 5वें स्थान पे भी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। टारगेट किया गया था या फिर हमेशा एकदम पूर्व नियोजित षड्यंत्र था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून से पटना की धरती को लाल कर दिया जाए, यह पूर्व नियोजित साजिश और षड्यंत्र था। ऐसी हत्यारी सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पहले भी कई बार लाठीचार्ज हुए हैं, कई जख्मी, इस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कभी नहीं हुआ। हम साक्षात वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस पैरों में नहीं मार रही थी, पुलिस पीठ में नहीं मार रही थी, पुलिस का डंडा डायरेक्ट लोगों के माथे पे चल रहा था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। महिलाओं के साथ बदसलूकी हुआ है, महिलाओं पे मिर्च का पाउडर पुलिस के द्वारा फेंका गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कटिहार के कितने लोग घायल हैं? कटिहार के 8 लोग घायल हैं, जिसमें एक हमारे जिला के उपाध्यक्ष चमकलाल सिंह हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं। उनको उनके माथा पे 19 टांका लगाया गया है। आप देख सकते हैं भारी संख्या महिलाएं भी आई हुई प्रदर्शन करने, सीधा बात है जी, क्या लगता है? 1971 के घटना को दोहराया गया है, 1971 में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसी घटना को फिर से 2023 में उसको दोहराया गया है, और लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। विधानसभा मार्च जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण के द्वारा हो रहा था, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध का बदला लेने के लिए वर्तमान सरकार ने फिर से लोकतंत्र की हत्या की है। क्या लगता है कि प्लानिंग के साथ क्या गया था, इससे पहले भी कई बार लाठीचार्ज हुआ है? पूरी तरह प्री प्लानिंग था ये, क्योंकि वो जो डंडा बरसाया जा रहा था वो पूरा प्लानिंग वे में लग रहा था कि वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कुछ अलग किया जाए। उन लोगों को डंडा बरसाना था सर पे, पुरुष पुलिस जो थे वो भी महिलाओं कर रहे थे, महिला पुलिस वही मार रही थी, पुरुष जो थे सर पे कहीं भी दिए जा रहे थे, उनका कोई रोक टोक नहीं था कि यहाँ नहीं टारगेट एकदम। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है भाजपा के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो है रीना झा, वो भी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे जो इससे बर्बरता किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पर लाठीचार्ज हुआ है, मौत भी हो गई, क्या लगता है टारगेट था या कोई हमेशा होता आ रहा है, क्या जाए? नहीं नहीं, ये तो एक साजिश है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए रैली में थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन इस तरह से वो लोग डंडा से प्रहार कर रहे थे जैसे किसी आतंकवादी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। हम लोग वहाँ धरना नहीं देने गए थे, लगे जैसे कि हम लोग ने किसी को डकैती करने या लूट करने के लिए गए हैं या किसी बॉर्डर को हम लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से वो पुलिस वाले लोग हम लोगों के ऊपर पेश आ रहे थे। अब क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार?
बिहार सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द अपना इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो उनको इस चीज़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। भाजपा चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसका जवाब देगी और करारा जवाब देगी भाजपा। तो हमारे से छाया तिवारी जी भाजपा नेता, उनसे बात क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आप कल का दिन देखेंगे तो इतिहास में ये लिखा जाएगा काला दिन के अक्षर। काला दिन कैसे लिखा जाएगा कि अगर लोकतंत्र में हम अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से अगर रखते हैं तो वो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, जितने भी हमारे कार्यकर्ता गए थे उनको पीट पीट के यहाँ तक कि जान मार दिया गया। एक जिला के महामंत्री मर ही गए, और कितने घायल हुए हैं उसकी गिनती आप अस्पताल में जाके देख सकते हैं। लोकतंत्र है ये लोकतंत्र की हत्या है, और इसके एवज में उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या भाजपा को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया? नीतीश कुमार, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि जिस टीचर से आपने पढ़ा और उस टीचर के लिए जब बीजेपी की सरकार ने आवाज उठाई तो आपने विजय सिंह पर लाठी चार्ज करवा कर उन्हें उनकी जिंदगी छीन ली, उनके परिवार को बेघर कर दिया। शर्म आनी चाहिए, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। आप में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। जब आपको जनता कुर्सी पर बैठा सकती है ना, तो कुर्सी से खींच कर नीचे कर भी सकती है। अभी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दीजिए नीतीश बाबू जी। मैं नेहा किरण, भारत हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महिला मोर्चा जिला मंत्री। पहली घटना नहीं है, लगातार लाठी चार्ज हो रही है, वो चाहे शिक्षक हो या किसान सलाहकार हो। बिहार सरकार विफल है और वो अपने कृत्य को छुपाने के लिए जनता पे लाठियां बरसा रही है। जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को रखने जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उन पे जानलेवा हमला कर रही है। इस सरकार को बर्खास्त होनी चाहिए। लोग वहाँ पे छुपने के लिए मॉल तक के अंदर चले गए। लोग पुलिस प्रशासन जो है मॉल के अंदर घुस के लोगों को मार रही है, कार्यकर्ताओं को मार रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जवाब हम लोगों को चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये गुंडा राज का आगाज हो गया। एक महिला के ऊपर अगर पुरुष प्रशासन जो है लाठी चार्ज कर रही है, ये कितनी निंदनीय घटना है। इसका जवाब हम लोग मांगना चाह रहे हैं, और नीतीश सरकार को इसका जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। धन्यवाद। जैसा कि लग रहा है, बता रहे हैं भाजपा के महिला के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं पर बिहार सरकार के पुलिस है, वे लोग जो है पुरुष के माध्यम से महिलाओं पर लाठी चार्ज करवाया गया है। अब देखते हैं कि आगे भाजपा क्या करती है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।